शासन तो दिस वर्ल्डली ढंग से चलेगा। अलाउद्दीन खिलजी जैसा व्यक्ति इस बात के लिए ऑन रिकॉर्ड है कि मौलाना आप इस्लाम अपने पास रखिए, हुकूमत में जहादारी ढंग से करो। भाजपा की संसदीय दल को संबोधित करते हुए एक बात कही थी जिस पर मुझे पता नहीं कितने लोगों का ध्यान, दूसरा गांधी दूसरा गांधी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है, एक साहित्य के और इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर जो मुझे लगती है कि शायद ही कोई मुस्लिम शासक था हिंदुस्तान का जिसका इस बात पर आलिमों से और मौलानाओं से झगड़ा ना हुआ कि शासन जो है वो शरिया के मुताबिक चलेगा या किसी और तरह से चलेगा। और संभवतः उन शासकों ने ही वो शब्द गढ़ा था जिसको आप सेकुलर का अनुवाद कह सकते हैं, जहांदारी। शासन तो दिस वर्ल्डली ढंग से चलेगा। अलाउद्दीन खिलजी जैसा व्यक्ति इस बात के लिए ऑन रिकॉर्ड है कि मौलाना आप इस्लाम अपने पास रखिए, हुकूमत में जहांदारी ढंग से करो। ये कहकर के मैं अलाउद्दीन खिलजी की कोई प्रशंसा या निंदा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतिहास में ये इस तरह की बाइनरी करनी नहीं चाहिए, बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा जो आप बता रहे थे फोर्सिबल कन्वर्जन का, तो मुझे एक बहुत मजेदार किस्सा याद आ गया, और वो किस्सा बदायूनी ने मुंतखाबातुल तवारीख में लिखा। बदायूनी अकबर की नीतियों के कठोर आलोचक थे, इतने कठोर आलोचक थे सुलहकुल वगैरह के, जब अकबर की मौत के बाद उनकी किताब शाया हुई यानी सर्कुलेट हुई तो जहांगीर ने उसको बाकायदा बैन कर दिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में विधिवत बैन होने वाली वो पहली किताब थी, क्योंकि वो पक्के मुसलमान थे, कट्टर मुसलमान थे, तो अकबर के सुलहकुल वगैरह से बहुत दुखी रहते थे, उन्होंने काफ़ी आलोचना की अकबर की। तो उसमें उन्होंने एक किस्सा बयान किया है कि अकबर दीन इलाही का प्रवर्तन कर चुके थे और कम से कम अपने निकट के लोगों को तो उसमें लाना चाहते ही थे, तो सबसे कहते थे, तो एक दो लोगों ने तो मान लिया, दीन इलाही कबूल कर दिया। बदायूनी के मुताबिक मान सिंह ने चिड़कर ये कहा कि जहाँ पर आप कहेंगे तो मैं इस्लाम कबूल कर दूँगा, लेकिन दीने राय के चक्कर में ना पड़ने और मान से हम लोग जानते हैं कि अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त सेना होती है। लेकिन दिक्कत यह है, और मैं इन चीजों पर इन दिनों लगातार सोच रहा हूँ, हम 150-200 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम तथ्य की और सत्य की और तर्क की बात करेंगे और 10-20 लोगों से कर लेंगे, 1000-2000 लोगों से कर लेंगे, लेकिन समाज में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, और केवल भारत में नहीं दुनिया में और खास करके हमारे देश में, उसमें तथ्य तर्क सत्य ये सब बेमानी हो चुका। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि हमारा समय और साहित्य, हमारे समय में साहित्य, तो उस पर थोड़े गंभीर ढंग से, और जिसे कहा जाता है कि प्रीचिंग टू दी कन्वर्टेड वाले ढंग से नहीं, बल्कि खुद अपनी पद्धतियों अपनी मान्यताओं से सवाल पूछने के ढंग से बात करनी चाहिए। मुझे बेहद खुशी होगी अगर इस हॉल में ऐसे लोग हों जो हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करते हों, और वैसे मैं बातचीत करने के प्रति बहुत उत्सुक नहीं रहता लोगों से, पब्लिक इमेज मेरी कोई बहुत अच्छे व्यक्ति की नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ हो तो मैं उससे जरूर बहस करना चाहूँ प्रेम से। दिक्कत यह है कि हम सब वो जो कहते हैं कि मनवा भावे मूड भावे, मैंने कहा कि सेकुलरिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, आपने कहा सेकुलरिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने कहा डेमोक्रेसी बहुत नेक चीज़ है, आपने कहा डेमोक्रेसी बहुत नेक चीज़ है, सवाल यह है कि हमारे समय की पहचान क्या है, क्या खासियत है हमारे समय में जो पिछले 20-25 साल में बनी होगी और शायद उसके पहले नहीं। सबसे पहली बात तो है कि हमारा समय ऑफिशियली पोस्ट ट्रुथ, जैसे मैं हिंदी में सत्यातीत कहता हूं, वो समय आपका ट्रुथ मेरा अल्टरनेटिव, आपके फैक्ट्स मेरे अल्टरनेटिव फैक्ट्स। एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि आपके फैक्ट्स हो सकते हैं, आपके ओपिनियन हो सकते हैं, फैक्ट नहीं हो सकते। अकबर बुरा शासक था, अकबर अच्छा शासक था, इस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन अकबर की राजधानी आगरे में थी इस पर बहस नहीं की जा सकती, क्योंकि ये फैक्ट है।
आज स्थिति यह है कि कोई उत्साही व्यक्ति ये कह सकता है कि अकबर की राजधानी साहब अब आगरे में नहीं बल्कि ग्वालियर में थी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ। योर फैक्ट एंड माई फैक्ट। और इसमें क्या डेमोक्रेटिक एकेडमिक्स का बिल्कुल योगदान नहीं? मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिस्कुटे साहब ने व्याख्यान का जिक्र किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान, जिसमें कि ट्रुथ का निर्धारण उसके कंटेंट से नहीं बल्कि लोकेशन से होगा, ये मानने वाले हम में से भी बहुत हैं। जिस समझ में ट्रुथ का निर्धारण इससे होगा कि उसे कहने वाले की पॉलिटिक्स क्या है, ऐसा मानने वाले हम में से भी बहुत हैं। ट्रुथ की ऑब्जेक्टिविटी, ह्यूमन वैल्यूज की यूनिवर्सलिटी को सबॉर्डिनेट करने में हमारा योगदान कम नहीं है। लेट अस फेस दिस फैक्ट। और इसलिए हमें तब बुरा लगता है जब हिंदुत्व वाले अपने मनमाने ढंग से इतिहास गढ़ते हैं, हमारे मित्रों में से अगर कोई मनमाने ढंग से इतिहास गढ़ने लगे तो हम ताली बजाने लगते हैं। यानी अगर आप बहस करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, तो एक अगर मिसाल दूं, आप शतरंज खेलना चाहते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि आपका घोड़ा 2.5 घर चले और मेरा 5 घर चले? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। अगर खेलना है तो दोनों का घोड़ा 2.5 घर ही चलेगा यार, या 5 घर चलेगा? तो नहीं, आपका 2.5 घर चलेगा क्योंकि आप फलां हैं, मेरा 5 घर चलेगा क्योंकि मैं फलां हूं। खेल के नियम लोकेशन से निर्धारित होंगे। एविडेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस है। मैं जानबूझ के वो मुहावरे बोल रहा हूं, तो हमने से भी बहुत से लोग बोलते हैं। इन सब पर पुनर्विचार किए, बहुत गहरे पुनर्विचार किए। हमारे पोस्ट ट्रुथ, स्वाभाविक रूप से इसको यू भी कहा जा सकता है कि दुनिया भर में ये समय आधुनिकता के, प्रबोधन के, मूल्यों के प्रत्यावर्तन का समय, रिट्रीट ऑफ मॉडर्निटी, रिट्रीट ऑफ एनलाइटनमेंट। मनुष्य सत्ता नहीं होती साहब, वो तो सत्ता तो उसकी पहचान से तय होती। ऐसे समय में विस्तार में जाने का समय नहीं है। आप सब लोग ज्ञानी हैं और जो नहीं है वो प्रयत्न करके हो सकते हैं, मैं सबके गौर से बाहर ज्ञान होता है इसको मान लें। हमारे अपने समाज या देश में सबसे महत्वपूर्ण समय क्या, जो चीजें देख देख के और सुन सुन के हम लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, वो केवल लक्षण नहीं होते, वो बीमारी नहीं है। ठीक उस तरह जैसे कि बुखार जो है वो अपने आप में बीमारी नहीं होता, वो टाइफाइड का या शायद टीबी का लक्षण होता है। लिंचिंग से लेकर के जिस तरह की गाली गलौज और बदतमीजी और संसद का ना चलने दिया जाना, ये सब केवल लक्षण है, सिम्टम्स। समस्या ये है, इसे आप समस्या कह सकते हैं, आप इसे प्रोजेक्ट कह सकते हैं। और प्रोजेक्ट ये है कि जो भारत संकल्पना स्वाधीनता आंदोलन से जन्मी है और जो अपनी अच्छी बुरी सीमाओं, उपलब्धियों, कमियों के साथ अब तक चलती रही है, प्रोजेक्ट ये है कि उसे वंस एंड फॉर ऑल बदल दिया। मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों को याद है, मुझे बखूबी याद है, पहली बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह के विशेषणों का उपयोग आजकल उचित है, भाजपा की संसदीय दल को संबोधित करते हुए एक बात कही थी जिस पर मुझे पता नहीं कितने लोगों का ध्यान गया। और वो बात यह थी कि आज जहां हम पहुंचे हैं, जहां भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है, इसके पीछे 5 पीढ़ियों की तपस्या है। इस बात का मर्म कितने लोग समझे नहीं समझे मैं नहीं जानता, लेकिन नरेंद्र मोदी एकदम ठीक है। 5 पीढ़ी यानी लगभग 80-90 साल, यानी 1925। और इसलिए फिर वो सवाल पैदा होता है साहित्यकार के लिए भी और नागरिक के लिए भी, कि जब आप एक नागरिक के तौर पर या साहित्यकार के तौर पर जब किसी तरह का राजनीतिक चुनाव करते हैं,
तो आप केवल उतना ही सोचते हैं जितना आसपास दिख रहा है, या थोड़ा पीछे भी देखते हैं और आगे भी देखते हैं? जो लोग 1912 के तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और जिनमें बड़ी तादाद में लेखक और बुद्धिजीवी शामिल थे, क्या उन्हें नासा नहीं मालूम था कि प्रकृति शून्य बर्दाश्त नहीं करती? कांग्रेस का शासन जाएगा तो CPM का नहीं आएगा। आप एक आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, क्या साहब वो रैगी अन्ना तू भी अन्ना सेकंड गांधी? अजब स्थिति है, दो दिन भूखे रहेंगे दूसरे गांधी कहेंगे। मैं भी पिछले दो दिन से भूखा था किसी कारण से, मतलब डॉक्टर के कहने के कारण भूखा था, सुमन जी ने मुझे दूसरा गांधी दे दिया। दूसरा गांधी तब राजनीतिक कारण से था। हम ये नहीं सोच पा रहे थे और आज हम माथा पकड़े बैठते हैं कि क्या हो गया साहब, ये कैसे लोगों की सत्ता आ गई? आपने पढ़ाई की आप थोड़ी गई, और ये नहीं बुलाई है तो कम से कम जो बुला रहे थे उनके पीछे पीछे आप चल रहे थे। किसको नहीं पता था कि रामलीला मैदान में इतने हजारों लोगों के जमावड़े का और खाने पीने का इंतजाम कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? हमारा जो समय है, धनंजय साहब से निवेदन किया कि वो अब तक की जो भारतीयता की संकल्पना थी उसको बुनियादी तौर से बदल डालने का समय है, प्रोजेक्ट किया। उस संकल्पना की ताकत या इनके हिसाब से कमजोरी ये है कि चूंकि वो ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित है, यानी जैसे हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, वो कोई कांग्रेस की खुराफात नहीं थी। मुत्यादा कल्चर जिसको कहते हैं, समन्वय संस्कृति जिसको कहते हैं, वो पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, वो हिंदुस्तान की संस्कृति का स्वाभाविक परिणाम, और उस संस्कृति का जिसके कारण हिंदुस्तान में जो परंपराएं, जो धर्म, जो दर्शन बाहर से आए, हिंदुस्तान की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से उन्होंने संवाद किया, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाया। एक आस्थावान मुसलमान ये नहीं कह सकता कि परमात्मा तक पहुंचने के सैकड़ों मार्ग हैं, एक आस्थावान मुसलमान के लिए एक ही मार्ग है, आपके लिए होंगे सैकड़ों मार्ग, आस्थावान मुसलमान के लिए नहीं है। और जायसी आस्थावान मुसलमान थे, जायसी सूफी तस्करों में पीर माने गए, मुहक्के के हिंद करे गए, वो कबीर की तरह आइकोनोक्लास्ट नहीं थे। और ये पंक्ति जायसी की है कि सरग नखत तन रोआ जेते विघना के मारग हैं, और ये कहने के लिए उस वक्त के हिंदुस्तानी इस्लाम ने जायसी के खिलाफ फतवे जारी नहीं किए। ये वो ताकत थी जिसके आधार पर ये भारत संगठना आइडिया ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं वो आधारित, और इसी को आज बदलना है, निर्णायक रूप से बदलना है, सदा के लिए बदलना। हम लोग संविधान की बात करते हैं, अभी दो दिन पहले गोष्ठी हो रही थी, राजीव भार्गव की किताब पर बात हो रही थी, तो उसमें सुधींद्र कुलकर्णी ने कहा कि हम संवैधानिक मूल्यों के आधार पर तमाम तरह की विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला करेंगे। मैंने उनसे निवेदन किया कि मूल्य तो ठीक है, मूल्यों की बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक दस्तावेज के तौर पर संविधान का सवाल है, वो तो एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, दो तिहाई बहुमत के साथ, तीन तिहाई बहुमत के साथ बदला जा सकता है, इसलिए केवल संवैधानिक मूल्यों की बात करने से बात नहीं बनेगी। आपको अपनी वैचारिकता के कुछ बिंदु एकदम स्पष्ट करने होंगे, और वो स्पष्ट करने के लिए ये जरूरी है बतौर लेखक के, बतौर साहित्यकार के, कि हम इस बात को महसूस करें कि अब ये वो समय नहीं है जबकि हम साहित्य और समाज के संबंध के बारे में अमूर्त ढंग से बात कर सकें, या बड़ी अच्छी अच्छी लगने वाली जो सबको खुश करें ऐसी बातें कर सकें, मुश्किल है। वैसे भी जो बातें सबको खुश करें उनसे थोड़ा चिंतित होना चाहिए, सबको खुश करने वाली बातें आमतौर से अच्छी बातें नहीं होती, मेरा निजी अनुभव है। लेकिन साहित्य लेखक के तौर पर मैं रिसर्चर हूं, मैं काम करता हूं, लेकिन मैं बुनियादी तौर से साहित्य का विद्यार्थी हूं,
इतिहास पर रिसर्च करता हूँ, आरंभिक आदमीकालीन इतिहास पर, पिछले कुछ दिनों से स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास पर काम कर रहा हूँ। और इससे मुझे एक बात याद आई, आप कह रहे थे इंडियन नेशनलिज्म, मुझे लगता है कि इंडियन नेशनलिज्म की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो केवल भारत के सांस्कृतिक अनुभव पर नहीं बल्कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट पर आधारित था। और ये बात सबसे स्पष्ट रूप से सामने आती है दादा धर्माधिकारी द्वारा दिए गए शब्द में। दादा धर्माधिकारी भारतीय राष्ट्रवाद को मानवनिष्ठ भारतीयता कहते थे, ह्यूमन नेशनलिज्म। ये जरूरी था ये कहना क्योंकि नेशनलिज्म का एक रूप और उससे उत्पन्न होने वाली महाभयानक स्थितियां भारत की आजादी के कुछ ही दो ही साल पहले दुनिया देख चुकी थी। एशिया में जापान और यूरोप में जर्मनी और इटली सब राष्ट्रवादी थे, घनघोर राष्ट्रवादी थे। और इसलिए 1950 या 51 में लिखी गई छोटी सी पुस्तक में, जिसका शीर्षक ही है मानवनिष्ठ भारतीयता, दादा धर्माधिकारी ने स्पष्ट किया कि जब हम भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वो किस तरह प्रचलित राष्ट्रवाद अवधारणाओं से अलग है। तो खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय में जबकि वो प्रोजेक्ट कामयाबी के खतरनाक हद तक नजदीक पहुंच चुका है, आंखें मूंदने से कोई फायदा नहीं। तो तुलसीदास जी की बात याद रखने से कोई फायदा नहीं है कि मूंदन आंख खत्म कछु ना है, आंखें मूंदी कुछ है ही नहीं, किस्सा खत्म है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत ही मोटा पॉपुलर कल्चर से उदाहरण लें आप, 2005 में फिल्म आई थी जोधा अकबर, जो अकबर को जबरदस्त रूप से ग्लोरीफाई करती थी, थोड़ा बहुत विरोध हुआ था, हालांकि उस समय भी कुछ लोगों को लगता था कि ये फिल्म पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन चली और बहुत चली। अभी पिछले दिनों फिल्म आई है पठान नाम, वो चली क्योंकि जैसा कि ट्विटर पर एक सज्जन ने लिखा था कि दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसके भक्तों से नरेंद्र मोदी के भी भक्त डरते हैं और वो है शाहरुख खान। तो वो ऐसा किया सबने रखकर सोशल मीडिया पर उन्होंने जैसी की है मनोरंजक नाइट हुई। लेकिन जो विशेला कैंपेन उसके बॉयकॉट के लिए चलाया गया और जिस आधार पर चलाया गया और जिस तरह चलाया गया, अब ये कोई दबाने छुपाने की बात नहीं रही है, इसको लेकर कोई संकोच नहीं रह गया है कि भाई हम मुसलमानों से नफरत करते हैं, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। ये पिछले 18 साल का फर्क है, 2005 तक ये कहने में लोग संकोच करते हैं, 2012 तक लोग ये कहने में संकोच करते हैं, लोक लाज खत्म हो चुकी है। ये वो समय है जबकि उनका मानना यह है और मैं समझता हूं कि बड़ी हद तक सही मानना है कि अगर इस अवसर का लाभ नहीं उठाया और मानवनिष्ठ भारतीयता की जगह ठेस फासिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म लागू नहीं कर दिया तो शायद दोबारा ये अवसर नहीं मिलता। इसलिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, समाज में हिंसा घृणा आक्रामकता उत्पन्न करने के लिए किसी चीज से संकोच नहीं। झूठे वीडियो पटना में बनाकर चलाए जा सकते ताकि तमिल लोगों के प्रति उत्तर भारत में आक्रोश उत्पन्न हो सके और जो सज्जन ये वीडियो चलाते हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी जाति बिरादरी के लोग प्रदर्शन भी करें। मैं दावे से कह सकता हूं कि वो सज्जन अगर किसी पॉलिटिकली करेक्ट जात के होते तो उनकी जात के लोग प्रदर्शन कर रहे, सच्चाई। इसलिए मित्रों, भाई, मेरे उपन्यास नाकुहस का एक पात्र कहता है कि जिससे भय होता है उस पर करुणा नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आपने से कितनों ने देखा है नहीं देखा है, मैं चूंकि जेएनयू में रहता था और उस जमाने में कुछ ज्यादा ही आबादी थी जेएनयू में, मैंने सांप के छोटे छोटे बच्चे देखे हैं, सांपों के बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, लेकिन उन्हें पांव से कुचलते समय आपको कोई करुणा नहीं होती क्योंकि आपके मन में एक इंस्टिंक्टिव भय है सांप। तो जिससे भय हो उस पर करुणा नहीं होती और इसीलिए करुणा जो मनुष्य को परिभाषित करने वाला भाव है
और परकाया प्रवेश के जरिए साहित्य जिस भाव को उत्पन्न करने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है, उसको स्थगित करने के लिए, उसको बेअसर करने के लिए जरूरी है कि समाज में एक परपीचुअल भय का वातावरण बनाए, डर। हम ऐसे समझने चाहिए जिसे डर परिभाषित करता है, जिसे एक ऐसा प्रोजेक्ट परिभाषित करता है जो बुद्धि विरोधी है, घोषित रूप से बुद्धि विरोधी, जो घोषित रूप से बुद्धिजीवियों को आतंकवादी कह सकता है, जो रोमिला थापर जैसे स्कॉलर का आईआईसी जैसी जगह में विरोध कर सकता है और व्याख्यान में बाधा उत्पन्न कर सकता है। आईआईसी तो आप जानते हैं दिल्ली की बड़ी लीड जगह, वहां रोमिला थापर के व्याख्यान देने का विरोध होता है, बाकायदा नारेबाजी होती है। ये जो मन भर स्थिति है इस समय, ये हवा में से नहीं पैदा होगी, और इसमें साहित्य की बात अगर करें संक्षेप में, तो यह एक ऐसा भी समय है जबकि पढ़ने में किसी की रुचि नहीं है, लोग देखना और सुनना चाहते हैं। मैं निजी तौर से बुरी तरह चढ़ जाता हूं कभी कभार, आया कोई सर आपको टीवी पर देखा था, मैं कहता हूं 10 साल पहले आया था टीवी पर, मतलब एक किताब ही अभी आई है साल भर पहले, वो पढ़ी है, कौन सी किताब सर मैं था फाड़ने ये ऐसा टीवी पर देखा था मैं 10 साल तो नहीं, लेकिन 6-7 साल से मैं आया नहीं टीवी पर, इक्का दुक्का यूट्यूब चैनल को छोड़ के, लेकिन वो सूरत आपको याद है। और इसमें अपनी गुस्से और हंसी मजाक को इतना फर्क रखें और थोड़ा एक ऑब्जेक्टिव गंभीरता के साथ विचार करें, तो जैसा सामाजिक और मानसिक पर्यावरण टेक्नोलॉजी ने बनाया है उसमें ये स्वाभाविक अटेंशन स्पान की कमी, टेलीविजन पर 150 चैनल और मोबाइल में 50 तरह के तमाशे, अटेंशन स्पान आपका है ही नहीं, पढ़ने के लिए तो अटेंशन चाहिए, धीरज चाहिए, एकांत अपने आप में एक अपराध है, एकांत की स्थिति जो है वो अपराध है। देवगी वर्ष का नावे कमाल का नावे है द सर्किल, उसमें जो सर्किल नाम का प्रॉब्लम अरोट है जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का एक तरह से मिला जुला रूप है, उसकी पैरोडी है, उसका मोटो ही है प्राइवेसी इज थेट, आपके जीवन में कोई प्राइवेट मोमेंट नहीं होना चाहिए सिवाय वो जो आप वास्तव में बताते हैं, बाकी आपको अगर ईमानदार है तो खड़े रहिए, क्या दिक्कत है, क्यों छुपाते हैं सर, यानी मुझे अगर आप पर गुस्सा आ रहा है तो वो छुपाने की छूट मुझे नहीं है, मुझे आपको मार देना चाहिए मुझे गुस्सा आ रहा है, प्राइवेसी इज थेट। सतत क्रोध के वातावरण में आप, और इसीलिए नफरत का प्रोजेक्ट चल सकता है, साहित्य इससे आपके पीछे खींच सकता है, बशर्ते थोड़ी सी साधना आप भी करें। पर टेलीविजन और मोबाइल फोन जिनमें संभवते आधे घंटे के लिए ही सही बंद कर दें, बड़ा मेहरबानी अखबार ना पढ़ने लगे, बल्कि कोई भी अच्छी कहानी उठा के, कोई भी अच्छी कविता उठा के पढ़ लें जिसकी भी आपको पसंद, चंद बरताई से लेकर के जिसका भी आपको नाम अच्छा लगे, किसी की पढ़ लें, है हमारे पास समय, है हमारे पास विधान। साहित्यकार समाज के लिए क्या करता है ये बारम्बार पूछा जाता है, एक जमाने में हम लोग पूछते थे रिटोरिकली कि साहित्यकार के लिए समाज क्या करता है, आज तो ये पूछना चाहिए कि समाज साहित्य को करता भी है या नहीं करता। आपके कितने सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो साहित्यकार के तौर पर सेलिब्रिटी है, कम से कम हिंदी क्षेत्र वालों को इस सवाल का जवाब खोजना चाहिए, मराठी में बात अलग है थोड़ी सी, दक्षिण में अलग है, लेकिन हिंदी वाले इस सवाल का जवाब पूछें अपने आप से, या दिल्ली की सड़क पर आप कल्पना कर सकते हैं कि भीष्म साहनी जैसा लोकप्रिय लेखक भी निकला है और लोगों ने पहचान लिया, क्योंकि कोई बात नहीं, भीष्म जी को लोग तब पहचानने लगे जब वो एक फिल्म में आ गए, कौन सी फिल्म थी वो, मोहन जोशी आए, या जब वो तमस नाम का सीरियल बना, यूनिवर्सिटीज में साहित्य हासिल के लिए हासिल ज्ञान का अध्ययन का विषय है टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, बाकी तो सब वक्त बर्बादी है, इतिहास साहित्य तो सबसे बड़ी वक्त बर्बादी है, इतिहास व्हाट्सएप से
और साहित्य भाषा पढ़ने के लिए हम लोग सीखा करते थे, वो क्या आता है, वो व्यवहारिक हिंदी और प्रैक्टिकल इंग्लिश। दरखास्त लिखना सीख लो आगे, फार्म भरना सीख लो आगे अंग्रेजी, रेलवे का फार्म कैसे भरते हैं इतनी अंग्रेजी जाननी चाहिए, बाकी पर्याप्त है। और ये सब पिछले 8 साल में नहीं हो गया। टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की पढ़ाई का ऐसा महिमा मंडन, साहित्य और मानविकी का ऐसा आसियाकरण सन 90 से शुरू हुआ। सन 90 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। इतिहास की ओर बहुत ज्यादा नहीं वापस जाना चाहिए अमीर साहब, लेकिन आगे देखने के लिए जरूरी है तो बीच बीच में पीछे देखते सीखना जरूर चाहिए इतिहास। और मैं कोई 400 साल पुराने इतिहास की बात नहीं करता, 30 साल पुराने इतिहास की बात करता। साहित्य पढ़ने का समय नहीं, साहित्य की कोई पूछ है नहीं, और साहित्यकार क्या कर रहा है, साहित्यकार क्या कर रहा है, चलम पी रहा है, क्या करता है? आप क्या कर रहे? एक और सवाल, पिछले दिनों चर्चा हुई प्रतिरोध की कविता साहब फलाना ढुमका, मैं उस बहस में ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि वे अलग ही गंभीर चर्चा का विषय है। केवल इतना संकेत करना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि नागरिक और साहित्यकार के बीच में फर्क करना चाहिए, और मुझे बतौर साहित्यकार के जांचा जाना चाहिए, बतौर नागरिक के जांचने के दूसरे क्षेत्र है। ठीक बात है, मैं सहमत हूँ उससे। दिक्कत केवल यह है कि अगर कोई पुरस्कार मिला तो वो तो साहित्यकार पुरुषोत्तम अग्रवाल को मिलेगा, उसे खर्च कौन करेगा, नागरिक पुरुषोत्तम अग्रवाल या साहित्यकार पुरुषोत्तम अग्रवाल? इसी तरह अगर कोई सजा मिली तो क्या नागरिक पुरुषोत्तम अग्रवाल ये कहकर बच जाएंगे, थानेदार की बात समझ में आ जाएगी कि भैया वो कहानी वो उपन्यास नाको असनाम का मैंने नहीं लिखा था, वो लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा था, थानेदार को इधर दे सकूंगा? तो साहित्यकार और नागरिक का भेद उतना सरल है नहीं जितना मान लिया। और हमारा समय ऐसा समय नहीं है कि जिसमें सांकेतिक प्रतिरोध से आपका काम चल जाए। मैं ये नहीं कहता कि हर लेखक सड़क पर आए, लेकिन कम से कम अपने लेखन में इस बदलते वक्त को दर्ज तो करें, इस बदलते वक्त का नोटिस तो लें। जिसमें बुद्धिजीवी होना अपराध हो गया, जिसमें साहित्य क्या किसी भी तरह का गंभीर लेखन और विचार एक फालतू की गतिविधि बना दी गई थी, जिसमें लिंचिंग हैज बीन नॉर्मलाइज्ड, जिसमें ट्विटर पर होने वाली बदतमीजी और बेहूदगी हैज बीन नॉर्मलाइज्ड, या इसके प्रति किसी भी तरह की प्रतिक्रिया करने की, न्यूनतम प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा भी साहित्यकार से कुछ ज्यादा अपेक्षा करना है? क्योंकि अन्य कला रूपों के विपरीत साहित्य केवल संवेदना का नहीं बल्कि विचार का भी माध्यम है, क्योंकि लैंग्वेज बाई डेफिनेशन इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ थॉट। रंग के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती, भंगिमा के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती, लेकिन कोई भी शब्द को उसमें होने के कारण विचार का भी माध्यम बनने की संभावना उसमें है। और इसलिए साहित्यकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। समाज की जिम्मेदारी की चर्चा मैंने की, साहित्यकार की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। 7वीं सदी में आचार्य भामे ने सही कहा था कि कोई तर्क ऐसा नहीं है, कोई ज्ञान ऐसा नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिससे साहित्यकार का वास्ता ना हो, कवि का वास्ता ना हो। भारो महान कवि, कवि का भार बहुत महान भार, लेखक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।